नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 जुलाई 2024, और यहां पे 3 जुलाई 2024 के लिए यानी कि बुधवार पेटनेस डे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं, उन लेवल पर ट्रेड करते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं। लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ पर्सनल कॉल्स मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं, 3 स्टॉक्स, तीनों के सिलेक्शन रीजन को समझेंगे और उसके बाद उसके विजन को समझेंगे। चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक फ्लैग पैटर्न की वजह से हिंडाल्को का सिलेक्शन हुआ है। देखिए रीजन समझ लीजिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मैंने एक वीडियो बना के दिया है कि स्टॉक को फिल्टर किस किस क्रिटेरिया पे आप कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हिंडाल्को को देखिए, एक चार्ट पैटर्न की तरह से सेलेक्ट किया गया है जिसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न, है ना, बुलिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग की वजह से सिलेक्शन है, तो ये पोल है और ये फ्लैग है। अब अगर इस फ्लैग को ऊपर तोड़ता है तो बाय साइड जाएंगे, फ्लैग को नीचे तोड़ता है तो सेल साइड। तो मान लेते हैं कि ऊपर तोड़ता है पहला कंडीशन, तो 698 के ऊपर बाइंग आएगा, बाय ऑफ 698 698 के ऊपर, स्टॉप लॉस 693 का होगा और जो टारगेट होगा वो 703 का, 703, दूसरा 708 और तीसरा 713, 713 का। लेकिन अगर ये नीचे का एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे और 692 के नीचे बेचना है, सेल लॉस 692, स्टॉप लॉस जो होगा 697 का होगा और जो टारगेट होगा 687 687, दूसरा 682 682 और तीसरा 677 677 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। ये पहला स्टॉक है हिंडाल्को। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, और सेकंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आता हूँ, डाबर। चलिए डाबर का सिलेक्शन रीजन समझते हैं, और ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन। देखिए किस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्राइवर रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 26 तारीख को रिस्पेक्ट किया, 27 और 28 को रिस्पेक्ट किया, और आज 2 तारीख को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर जैसे यहां से ये बाउंस हो जाता है तो क्या लगता है, यहां से बाउंस हो जाना चाहिए, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू के ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, तो इस ट्रेंड लाइन पर ही इसका ट्रेड बनेगा। अगर ये बाउंस करता है तो 606 रुपए के ऊपर बाइंग आएगा, बाय ऑफ 606, जो स्टॉप लॉस होगा वो 602 रुपए का होगा, 602 का, और जो टारगेट होगा 610 610 दूसरा 614 614 तीसरा 618 618 का। लेकिन अगर ये तोड़ देता है इस लाइन को तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 600 रुपए के बिलो, सेल बिलो 600, जो स्टॉप लॉस होगा वो 604 रुपए का, 604 का, और जो टारगेट होगा वो 596 596, दूसरा 592 592 और तीसरा 588 588 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक डाबर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, और उसका नाम मैं यहाँ पे लेगा तो बाटा इंडिया। सिलेक्शन रीजन समझेंगे पहले, सिलेक्शन रीजन देखिए एक बॉक्स में फंस गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही छोटे से बॉक्स में फंसा हुआ है, तो बॉक्स के जिस तरफ ट्रेड करेगा उधर भागेंगे। तो मान लेते हैं ऊपर वाला सिरा को तोड़ता है, सिलेक्शन रीजन समझ गए ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बाहर है बाकी सारा अंदर है, इसके वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। तो अगर ये 1504 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, बाय 1504, स्टॉप लॉस 1497 रुपए, 1497 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1511 1511, दूसरा 1518 और तीसरा 1525 रुपए का, 1525 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है यहाँ से तो सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1483 के बिलो, सेल बिलो 1483, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1490 रुपए का, 1490 का, और जो टारगेट होगा वो 1476 का, दूसरा टारगेट होगा 1469 1469 और तीसरा 1462 1462 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ चर्चा किया है, पसंद आया तो जरूर बताएं। और याद रखें जो प्रॉफिट बुक नहीं करता है वो क्या बुक करता है, लास्ट में लॉस। तो प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।